पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ी गड्डियां ने उन्हां ते हुण रोक लाउणी शुरू करती हैगी ते कोई भी स्टूडेंट जेकर गड्डी हुण रखूगा अड़ी नाल रखूगा तां फिर उहदे खिलाफ कार्रवाई भी सख्त होगी। होस्टलों के गड्डी लियान से जी की रोक लाती हूँ गल यह है भी जो होस्टल च नहीं गड्डी रखूगा वो बार भी रह के की घूमू फिरूगा। भाई जे तुसी फिर भी ना मन्ने थोड़ा होस्टल दे विच रहना ही खत्म कर दिता जाऊगा तो यह आखिर लोड़ की पई। जे कैंपस फ्री भी करता तुसी उन्होंने गड्डिया बैन कर दी क्या थोड़े को साइकिल है ई रिक्शा इन्ने अवेलेबल है कि तुसी सारे बच्चे केटर कर लोगे कुड़ियां कुछ होंगे जिन्होंने सिक्योरिटी परपज लिए गड्डी यूज करनी पड़ती उन्होंने क्या अरेजमेंट जो अरेजमेंट ही कोई नहीं है फिर इदा के नोटिस मैंने लगता कोई उन्होंने ये है कि भी आप जी इतने रोड से या होस्टल साइड गड्डिया खड़िया होंगे इन्होंने उन्होंने बड़ी तकलीफ होंगी है बट आप दी गड्डिया जो इन्हों की एडमिन ब्लॉक बारे पूरे पूरे एडमिन ब्लॉक कवर कर खड़ी होंगी उन्होंने तो दिक्कत नहीं जिदे को क्षमता है वह लेके आ रहा है जिदे को नहीं है वह नहीं लेके आ रहा मतलब आप किसी से थोप नहीं सकते या फिर तुम उन्होंने इन्नी फैसिलिटी दे दो हाँ गेटा तो आने वास्ते हाँ थोड़ी गड्डी गेट से पार्क हो जूगी अगर इन्होंने तो दिमाग च वही है ना कि मैं तानाशाही चीज करके भी हाँ असं ये कर देंगे तो जिम्मे प्रधान जी ने दसिया कि टीचर की गड्डिया ही बंद हो सारे की गड्डिया बंद हो करो भी जो करनी है तो फिर सब दिया करो तुम चाहते हो कि आप व्हीकल फ्री करिए पहले इतने कुछ जोन आइडेंटीफाई करो आप पहले कुछ जोन व्हीकल फ्री करिए हो सकता जिम्मे आप स्टूडेंट सेंटर कुछ एरिया रख लीए कि इतने गड्डिया नहीं आनगियां जे थोड़े तो वह मैनेज हों ना फिर तुम होर जोन एड करो जो तुम इदा सीधा एक लैटर कट के कह दोगे कि भी हूँ यूनिवर्सिटी कोई भी स्टूडेंट गड्डी नहीं रखूगा तो यहोजे लैटर तो पहला भी बथेरे यूनिवर्सिटी ने कटे है तो यहोजे लैटर स्टूडेंट नूं जवाब देना भी होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के जी गड्डिया ने उन्होंने हूँ रोक लाउणी शुरू करती हैगी कोई भी स्टूडेंट जेकर गड्डी हूँ रखूगा अड़ी नाल रखूगा तो फिर उहदे खिलाफ कार्रवाई भी सख्त होगी। आ चिट्ठी साफ तौर पर यह दर्शाती है कि जेकर तुम हूँ गड्डी पंजाब यूनिवर्सिटी के रखते हो जिम्मे आम तौर पर मुंडे रखते हैं तुम देख लो आसे पास गड्डिया गड्डिया खड़िया ने कि नेरी आई पी है तो एक तो एक चकवी गड्डी जिम्मे आप आम तौर पर कहने भी शौकी मुंडे गड़िया लाने ला लो कई खर काम काज वास्ते भी कई किसी की लड़ भी होंगी हैगी तो वाधू तौर पर दिखदी ने जिधर मर्जी बग जाओ पर गल है पंजाब यूनिवर्सिटी ने यह पाबंदी लाई क्यों कि गड्डिया ना लैके आओ तो दूजे पास पाबंदी पूरी हैगी की हैगी क्योंकि हर पास जो खबर वायरल होंगी है ना तो फिर मायने कहीं निकले उन्हें चिट्ठी थोड़ा दिखा देना क्योंकि आप फिर बकायदा तौर पर चिट्ठी कढ़ाई भी आखिर चिट्ठी हैगी की है जिसे पाबंदी लगी है हूँ आ चिट्ठी तुम देख लो कि ऑफिस ऑफ द डीन स्टूडेंट वेलफेयर DSW वालों चिट्ठी है जी कढ़ी गई है साइन करके उपर साफ तौर पर लिखा है कि यू आर अवेयर टू ऑलसो मैं इन द हैंडबुक ऑफ होस्टल रूल 2023-24 द होस्टल रेजिडेंट आर नॉट अलाउड टू ब्रिंक की व्हीकल आई ओ फोर व्हीकल इन पंजाब यूनिवर्सिटी होस्टल होस्टलों के गड्डी लियान से जी की रोक लाती हूँ गल यह है भी जो होस्टल च नहीं गड्डी रखूगा वो बार भी रह के की घूमू फिरूगा हूँ यह तो है नहीं गा भी गेड़े गुड़े दिते उदू बाद गड्डी कितने होर लाया जे मुंडे होस्टल च रेंदे ने गे हूँ दूजे पास जो गल की जाए तो नीचे उन्होंने साफ तौर पर लिखे यह बड़ी लाइन खतरनाक है जे फिर भी ना मन्ने अगला यह लिखते हैं कहते होस्टल आफ्टर 16 नवंबर 2023 देयर एडमिशन इन द होस्टल विल बी कैंसल्ड एंड फरदर एक्शन विल बी टेकन एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। इतने आके कहानी यह होगी भी भाई जे तुसी फिर भी ना मन्ने थोड़ा होस्टल दे विच रहना ही खत्म कर दिता जाऊगा तो यह आखिर लोड़ की पई तो हुण इत्थों दे PU कौंसल दे प्रधान ते दूजे पासे जे गल कही जाए जिहड़े आम स्टूडेंट ने उह कहिंदे की ने उहनां नाल गल कर लैंदे आ जतिंदर खड़ा मुंडा जिहड़ा हुणी हुणी प्रधान बणिया कि इह मेन मसला होया की पता जी होस्टल दे विच जे गड्डी ना रोक लाती सीधे तौर पर गल यह भी है भी अगला यह तो है नहीं भी गेड़े गुड़े दिते या आपका कोई काम काज वास्ते आया तो उदू बाद गड्डी कितने होर ला के आऊगा तो फिर होस्टल सौन आऊंगा लोड़ की लगती सी भी हैगी सी इहदी यूनिवर्सिटी च। देखो एक आर्बिट्रेरी नोटिस आउंदा कि बई 16 तारीक तक जे होस्टलर्स ने फोर व्हीलर रखे अपने कोल उन्होंने होस्टल तो कट दिता जाऊगा इस नोटिस की तो कोई भी लोड़ मैनू नजर नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही क्योंकि तुसी फोर व्हीलर बैन कर रहे हो थोड़े कोल अल्टरनेट अरेजमेंट की है बंदा अपनी गड्डी चलो तुसी कैंपस नू तुसी कह सकते हो कि आपां व्हीकल फ्री करांगे बट वो आपकी गड्डी पार्क कित्थे करूगा कोई अरेंजमेंट नहीं है जे कैंपस फ्री भी करता तुसी उन्हां दी गड्डियां बैन करती क्या थोड़े कोल साइकल्स हैगियां ई रिक्शा इन्ने अवेलेबल है कि तुसी सारे बच्चे नू केटर कर लोगे कुड़ियां कुछ होंदियां जिन्हां नू सिक्योरिटी परपज लई गड्डी यूज करनी पैंदी उन्हां लई क्या अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट ही कोई नहीं है फिर इदा दे नोटिस मैंने लगता कोई लोड़ है जे कह जाए लास्ट वाली लाइन तो बड़ी खतरनाक है भी आही एडमिशन कैंसल कर दी जाऊगी होस्टल वाली तो दूजे पास गल है भी होर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाऊगा इस जे कह जाए कुल मिला के ज्यादा फायदा लगता की है चलो जो एक पास आप उन्होंने मन की भी मन लीए भी चलो ठीक है और गड्डिया नहीं आनगियां होस्टलों के होस्टलों से जगह नहीं हैगी या होस्टलों से हुड़दंग होंदा मैंने तो तुगलक ही फरमान लगता है यूनिवर्सिटी का उन्होंने ये है कि भी आप जी इतने रोड से या होस्टल साइड गड्डिया खड़िया होंगी इन्होंने बड़ी तकलीफ होंगी है बट आप दी गड्डिया जो इन्हों की एडमिन ब्लॉक बारे पूरे
पूरे एडमिन ब्लॉक नूं कवर करके खड़ी होंदी, उन्हां तों दिक्कत नहीं होंदी। ते इह कि बस स्टूडेंट्स जो भी आपां यूनिवर्सिटी च कार फ्री जोन बनाउणा है, ओह सारा स्टूडेंट्स वल्लों ही बनाउणा है। अथॉरिटी आप अपने वालों कोई पहल नहीं करना चाहती, स्टूडेंट्स ना धक्का करना चाहती है, चाहती यही है कि आप कैंपस नूं होर जिन्ना नीट एंड क्लीन कर सकी, जिन्ना आप इतने स्पेस वधा सकी, वो सारी चीजा चाहती है, बट वो सारा सिर्फ स्टूडेंट्स दे राही क्यों चाहती है। ਵੱਡੀ ਊਂ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਆਉਣਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਅਗਰ ਹੋਸਟਲਰ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਵਹੀਕਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ 3 ਨੰਬਰ ਚ ਡਿਸੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਐਲਬੋਸ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ 2-ਵੀਲਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਛੀਨ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੈ? ਸਪੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਗਈ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਹੀਕਲ ਫ੍ਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਬਿਟਰੇਲੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਜੂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਾਂ 25-25 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 1 ਨੰਬਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਵੀ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਣਗੇ? ਇੱਕ PGI ਗੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 3 ਨੰਬਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, UIT ਸੈਮ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ BT ਮੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਬਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ABP ਦੀ ਜਾਂ CUSS ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 101% ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ
इस तरह करके बनेगा। ये जो डिस्कशन करोगे ता ही आइडियाज आवगे, स्टूडेंट्स लोगे काउंसिल लोगे ता ही आइडियाज आवगे, फिर कोई सोल्यूशन निकलूगा। जो तुम इदा सीधा एक लैटर कट के कह दोगे कि भी हूँ यूनिवर्सिटी कोई भी स्टूडेंट गड्डी नहीं रखूगा, तो यहो जे लैटर तो पहला भी बथेरे यूनिवर्सिटी ने कटे है, तो यहो जे लैटर स्टूडेंट जवाब देना भी आता। जे देखा जाए इस पूरे मसले से गल यही आती है कि हो देखो जी कोई भी डिसीजन बैठ के होंगे, कोई भी मसले का हल करना वो एक डायलॉग के थ्रू होगा। जो चीजा थोपोगे ना वो चीज कोई भी चीज जी यूनिवर्सिटी ने हमेशा इस चीज नकारिया, फिर तो सोचा ही होगा भी यार कहते भी ज्यादा या तो हो रहा होगा, उन्होंने लगता भी हुलड़बाजी होंगी है या फिर स्पेस घट गई है, कोई रीजन तो बनाया ही होना। देखो जी बड़ी वधिया यूनिवर्सिटी है, कोई असी हुलड़बाजी वाला कोई सीन नहीं इत्थे हैगा, और क्यों कल स्टूडेंट दी गड्डी ही क्यों, नॉन टीचिंग भी आ और की ना होंदा, ये तो रेजिडेंशियल एरिया भी साडी यूनिवर्सिटी च हैगा, तुसीं इत्थे ये चीज मतलब इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, रेजिडेंशियल एरिया हैगा कल स्टूडेंट्स दी क्यों। फिर जिदा प्रधान साहब ने साडे ने एक स्टैंड लिया, मैं उहदा डट के साथ दिना प्रधान का कि स्टूडेंट्स नाल खड़िया हो, उन्हें सीधी गल की है कि हाँ जी कलियां स्टूडेंट्स दी नहीं, फिर नॉन टीचिंग अपना टीचर्स दी, ईवन वाइस चांसलर भी फिर अपनी गड्डी जिहड़ी त्याग के अपने दफ्तर दे विच कूच करे, मैं मतलब इस चीज का पूरा समर्थन करदा प्रधान अपने दा। बिल्कुल, खैर हुण गल इह है वी आउंदे दिनां दे विच होणा की है, क्योंकि स्टूडेंटां ने तां स्पष्ट रूप च कहता है वी असीं तां नहीं गड्डियां छड्डण वाले हैगे। दूजे पासे गल इह है वी स्टूडेंट नूं लैके जदों इह फैसला लैणा सी तां कौंसल दे नाल की कोई गल जमी नहीं करी हैगी, क्योंकि कौंसल चुणन दा मतलब इही हुंदा वी जदों तुसीं कल्लू कोई किसे तरहां दा फैसला डिसीजन लैणे ने तां आखिरकार स्टूडेंटां दी राय कोई तुसीं जाणोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीआं दे हालात तो स्कूलां वाला तां है नहींगा जिथे बहुत छोटे बच्चे पढ़ते ने, ते दूजे पासे जदों इक संस्था बनी हुई आ तां उहनूं कॉन्फिडेंस च लैके आखिर यूनिवर्सिटी ने डिसीजन क्यों नहीं लिया, इह इतराज इन्हां सारे ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਪਨਾ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।